दोस्तों आपके लिए एक जबरदस्त भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं, जो कि एयरपोर्ट पर निकली है और इसके लिए 10th, 12th पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से भर्ती निकाली गई है, जिसमें सभी भारतीय हवाई अड्डों के लिए कस्टमर सर्विस एजेंट और लॉडर हाउसकीपिंग के पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए पुरुष और महिला दोनों तरह के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कस्टमर सर्विस एजेंट के 2653 पद और लॉडर हाउसकीपिंग के 855 पद भरे जाएंगे, जिसमें से कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए 12वीं पास होना जरूरी है और लॉडर हाउसकीपिंग के लिए सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। 10th पास तक के उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वेतन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कुछ जरूरी तारीखों के बारे में जान लेते हैं। तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, जिसके लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर रहने वाली है और फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 31 अक्टूबर रहेगी। बाकी इसके लिए एग्जाम दिसंबर में 1 से 8 दिसंबर के बीच में लिया जाएगा और एग्जाम ऑफलाइन या CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, जिसके बारे में पहले ही एडमिट कार्ड के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर कहां पर लगा है और एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा। बाकी एग्जाम के सिलेबस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आपने इसकी योग्यता के बारे में तो जान लिया, अब इसके लिए आयु सीमा भी जान लीजिए। इन दोनों पदों के लिए अलग अलग आयु सीमा रखी गई है, जिसमें से कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए 18 से 28 साल के बीच में आयु सीमा होनी चाहिए और लॉडर हाउसकीपिंग के लिए 18 से 33 साल के बीच में आयु सीमा होनी चाहिए, जिसमें से SC/ST जाति वालों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, जबकि OBC जाति वालों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट भी मिलेगी। अब इसके लिए जब आप एप्लीकेशन फीस भरोगे तो उसमें कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए अप्लाई करने में ₹380, जबकि लॉडर हाउसकीपिंग के लिए ₹340 के लगभग तक का खर्चा आएगा और ये एप्लीकेशन फीस सभी जाति वालों के लिए, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए एक समान रखी गई है, कोई किसी तरह की छूट भी इसमें नहीं दी गई है। बाकी आपको यहाँ पर बता दे कि अगर कोई उम्मीदवार दोनों पदों पर अप्लाई करना चाहता है तो वह यह कर सकता है, लेकिन दोनों के लिए उसे अलग अलग फीस जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके लिए सिलेक्शन कैसे होगा? तो इसका सिलेक्शन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जो कि ऑफलाइन भी हो सकती है या कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकती है। जो लिखित परीक्षा को पास कर लेंगे उन उम्मीदवारों को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों को चुना जाएगा, उनका सिलेक्शन होगा। बाकी अब परीक्षा के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें दो खंड दिए होंगे और दोनों खंडों में 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि लॉडर हाउसकीपिंग का पेपर कस्टमर सर्विस एजेंट के पेपर से आसान रहेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी दोनों का सिलेबस एक समान ही रहेगा, जिसके बारे में भी चलिए जान लेते हैं। तो इसमें दो खंड है, जिसके पहले में अंग्रेजी भाषा के 40 नंबर के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस आप यहां पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद दूसरे खंड में समायिकी के 10 नंबर के 10 प्रश्न, विज्ञानम और विमानन ज्ञान के 10 नंबर के 10 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के भी 10 नंबर के 10 प्रश्न, अंकगणित विषय से 15 नंबर के 15 प्रश्न और इसी तरह तर्क शक्ति के भी 15 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी इनका सिलेबस भी यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस परीक्षा में पास होने के लिए वैसे तो 35% नंबर लाने होंगे, लेकिन अंग्रेजी भाषा में जो 40 प्रश्न दिए गए हैं उनमें से 15 प्रश्न सही करने जरूरी है, तभी आप पास माने जाएंगे। तो इस तरह से इसका सिलेक्शन रहेगा। बाकी अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करते ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है और यहीं पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।